सजना रहे सलामत, सजना रहे सलामत, सब का मना रही हूँ, मैं तीज गा रही हूँ, गा कर सुना रही हूँ, मैं तीज गा रही हूँ, गा कर सुना रही हूँ। गौरा के नाथ तुमसे वरदान मांगती हूँ, सखियाँ रहे सुहागन वरदान मांगती हूँ, वरदान मांगती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए हमें कौन से इसमें एक नियम करना है जो हर सुहागिन औरतों को जरूर करनी चाहिए, और पीरियड के दौरान हम करवा चौथ का व्रत कैसे करें और कैसे ना करें, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय है वो मैं बता देती हूँ कि देखिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं कौन ऐसा पूजा पाठ नियम धर्म है जो वो नहीं करती हैं, वो चाहती हैं कि दुनिया का हर कार्य हम करें जिससे हमारे पति सही सलामत रहें, हमारा सुहाग बना रहे जन्मों जन्मों तक, सातों जन्म तक हमारे पति यही मिले, हमारा सुहाग चमकता रहे। तो सभी औरतों का तो यही सपना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है ना, करवा चौथ के ऊपर आपको बहुत सारी सुहाग की चीज़ों की दान करनी चाहिए, और अच्छी चीज़ों की दान कीजिए। अगर भगवान का दिया हुआ हर चीज़ आपके पास है ना, तो ऐसा कुछ ना दान करें कि जो कोई इस्तेमाल ना करता हो। जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं ना, उतना तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उससे मिलता जुलता ही चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। देखिए, दुकान में लोग जाते हैं ना, तो दान की चीज़ें कहकर एक अलग ही सेपरेट मांगते हैं, तो उसमें ना ऐसे छोटे छोटे कंघी सीसा रिबन वगैरह रखा रहता है, वो किसी के घर भी जाकर बताइए वो किस काम में आता होगा। तो आपको 5 ही दान करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छे चीज़ें दान कीजिए जो आप इस्तेमाल करती हैं। देखिए, जो हम इस्तेमाल करते हैं वैसा दान करते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगले जन्म में वो सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छी चीज़ें दान कीजिए जो कि आप इस्तेमाल करती हैं, उस प्रकार की चीज़ों की आपको दान करनी चाहिए। और जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसके लिए आप मुद्रा भी दान कर सकती हैं, लेकिन सुहाग की चीज़ें आप ज़रूर दान कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि उस दिन माता पार्वती को ऐसा माना जाता है कि देखिए, जो करवा चौथ है ना, इसमें लाल चीज़ों का बहुत अधिक विशेष महत्व है, तो आपको लाल फूलों का ही माला माता को पहनानी चाहिए। अगर लाल नहीं है तो गुलाब के फूल का भी माला आपको ज़रूर माता पार्वती को आपको पहनानी चाहिए। करवा माता के रूप में हम माता पार्वती की ही पूजा करते हैं, तो इस प्रकार से आपको करनी है। व्रत में कथा ज़रूर सुनिए। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि पीरियड के दौरान हमें व्रत कैसे करनी चाहिए। तो मान लीजिए आपका जो पीरियड है, अगर 5 दिन नहीं हुआ है, देखिए देवियों की पूजा हम 5वें दिन से आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो देव भगवान हैं उनकी पूजा 7वें दिन से करते हैं, और देवियों की पूजा पीरियड के 5वें दिन से करते हैं, वो भी अगर पूरा सही हो गया अच्छे तरीके से, तब तो आपको कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आप पहली बार व्रत करने जा रही हैं, मतलब इस साल उठा रही हैं, और ऐसे अगर मान लीजिए आपका पीरियड आ गया है, तो पीरियड के दौरान पहली बार कोई भी व्रत नहीं उठानी चाहिए। अब एक तो आप पहली बार करने जा रहे हैं, और उसमें भी ऐसे स्थिति में अगर व्रत कर रहे हैं, पूजा भी नहीं कर रहे हैं, तो व्रत नहीं उठानी चाहिए आपको। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, आपके घर में जो नियम चलते आया है वैसा आपको करनी चाहिए। दूसरी बात क्या हो गई कि अगर मान लीजिए पहली बार नहीं है, मतलब हमेशा आप करते आ रहे हैं,
और पीरियड आ गया है। तो देखिए, पूजा करने से ऐसा होता है ना कि व्रत का हमें संपूर्ण लाभ मिलता है। अगर आप किसी व्रत को नहीं करते हैं, और भी कोई व्रत, जैसे करवा चौथी नहीं बोल रही हूँ, कोई व्रत नहीं करते हैं, जैसे प्रदोष व्रत हुआ, शिवरात्रि व्रत हुआ, या महाशिवरात्रि है, या और भी जो व्रत हैं, अगर केवल आप पूजा कर लेते हैं ना, व्रत नहीं रखते हैं, तो आपको व्रत का आधा लाभ आपको मिल जाता है। लेकिन व्रत रखते हुए अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिल जाता है। लेकिन करवा चौथ में मान लीजिए आपका पीरियड आ गया, या मतलब चल रहा है और आप पूजा करने के लायक नहीं है, 5 दिन नहीं हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा? आपको केवल व्रत रखनी है, तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ तो नहीं मिलता, क्योंकि पूजा में आधा लाभ हमें मिलता है और आधे लाभ जो है हमें व्रत से मिलता है। तो आधा लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको व्रत रखनी चाहिए लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। और भी किसी मतलब सुहागिन महिलाओं से आप पूजा अर्चना अपना करवा सकती हैं, जो ही आस पड़ोस है, थोड़ा सा मदद कर देनी चाहिए ऐसी स्थिति में। देखिए, ये चीज़ ना मतलब प्रकृति चीज़ है, ये किसी के हाथ में नहीं है कि हम जब चाहें तो आए, जब चाहें तो ना आए। तो इसलिए थोड़ा बहुत लोग मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं पूजा पाठ में, तो आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो गया है तो आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। पति से भी नहीं हो सकता है, मान लीजिए कोई आस पड़ोस भी नहीं है, तो पति से भी थोड़ा बहुत हेल्प लेके अपने हस्बैंड से आप करवा सकती हैं। लेकिन व्रत आपको रखनी चाहिए। पहली बार करने जा रही हैं तो व्रत मैं तो कहूँगी कि नहीं उठाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इस साल अगर कोई करवा चौथ का व्रत या कोई भी नया व्रत अगर आप करना चाहती हैं तो इस साल जो है आप उठा सकती हैं। बहुत शुभ दिन है, शुभ साल है, क्योंकि इस साल मलमास वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया कि इस साल मलमास वगैरह नहीं है, आप अपना कोई भी नया व्रत उठा सकती हैं। अगर आप पीरियड में नहीं हैं, फ्री हैं, तो आप उठा सकती हैं। अगली बात क्या है कि ऐसे में ना आपको जैसे जो दान वाली चीज़ें हैं ना, पीरियड के दौरान आपको दान करनी चाहिए। जो सुहाग की चीज़ें आपको दान करनी है, वो तो पूजा नहीं है ना, उसको आप आराम से दान कर सकते हैं। भले ही पूजा पाठ आप मत कीजिए, लेकिन दान अपने हाथों से करवा चौथ के दिन आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सुहाग की चीज़ों की जितना ही हम दान करें ना, तो हमारे सुहाग में ऐसा माना जाता है कि और भी अधिक वृद्धि होती है। तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, दान खुल कर कीजिए। और कोई भी अगर आपके घर आता जाता है तो आपको मतलब बिंदी का एक पत्ता और सिंदूर बिना दिए किसी को अपने घर से विदा मत कीजिए, किसी भी सुहागिन महिलाओं को। और कुछ आप दीजिए या मत दीजिए, ठीक है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दी कि पीरियड में आपको व्रत कैसे करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, और प्यार से अपना करवा चौथ व्रत विधि विधान से संपूर्ण कीजिए। और एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी।